हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। बच्चों, हम जानते हैं जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है। बच्चों, इसमें ये स्टेट बनते कैसे होंगे इसके बारे में बुक में नहीं दिखाया गया है डिटेल में, तो आइए हम जानते हैं इसको कि ये कैसे बन रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चों, हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, ये दो कोई मॉलिक्यूल्स हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, जिसको यहाँ पे हमने नाम दिया म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये हो क्या रहा होगा, एक दूसरे काफी क्लोज आ रहा होगा और यहीं पे थर्मल एनर्जी भी काम कर रही होगी, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की स्केपिंग टेंडेंसी क्रिएट हो रही होगी, जिससे वो भागने की टेंडेंसी में होगी। अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये डिपेंड करेगा म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी पे। अगर बच्चों म्यूचुअल अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए स्केपिंग टेंडेंसी से, तो बनने वाला स्टेट हमारा सॉलिड होगा, और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा ही ज्यादा हो तो बनने वाला स्टेट हमारा लिक्विड होगा, और म्यूचुअल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाए, स्केपिंग टेंडेंसी ही ज्यादा हो जाए, तो थर्ड केस हमारे पास गैसेस स्टेट बनेगा। यहां तक क्लियर बच्चों कि म्यूचुअल अट्रैक्शन यहां मॉलिक्यूल के बीच में काम कर रहा है और यहां पर थोड़ी सी थर्मल एनर्जी काम कर रही है। थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा तो गैस स्टेट बनेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा तो सॉलिड, थोड़ा ज्यादा होगा तो लिक्विड स्टेट बनेगा। अब हम जानते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड होती क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो बच्चों नोट करिएगा इसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। सॉलिड क्या होती है, सॉलिड इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम, 8-9 पॉइंट है हमारे पास, काफी अच्छी तरह से इसको डील करेंगे। फिर लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, 8-9 पॉइंट है हमारे पास। फिर इसके बाद नेक्स्ट गैस के बारे में, फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो फर्स्ट है हमारे पास बच्चों सॉलिड। सॉलिड के प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड होती क्या है बच्चों, सिंपल मतलब सॉलिड क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हो। लेट अस्सुम हमारे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर का फिक्स शेप है और फिक्स इसका वॉल्यूम है, अगर आप इसको जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक इसको कितने भी दिन अगर ऐसे रखा जाए तो इसके शेप में, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये सॉलिड है। लेकिन बच्चों इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये कपड़ा है, अगर इसको हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो इसका शेप चेंज कर रहा है, या फिर आप कुछ और भी सब्सटेंस देख रहे होंगे जो एमॉर्फस होते हैं तो उसका शेप चेंज कर जाता है, जैसे कि रबर देखे तो रबर का तो शेप चेंज कर रहा है, वो भी तो सॉलिड है पर उसका शेप चेंज क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक रीजन क्या है, तो बच्चों इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। सॉलिड के टाइप्स भी होते हैं पर नाइन्थ क्लास में उतना डिटेल नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि दो तरह के सॉलिड होंगे, एमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ जानते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा इसका शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम बोथ फिक्स्ड, फिक्स्ड बोले या डिफिनिट बोले दोनों ही करेक्ट है, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों हम सॉलिड का थोड़ा सा अरेंजमेंट जानते हैं, उसके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इसके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, मॉलिक्यूल बोले तो पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होगा और ये क्लोजली पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसके मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो काफी स्ट्रांग होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। देखो इस तरह से हमने कुछ बनाया है, ये हमारी सॉलिड की स्ट्रक्चर है एक तरह से, तो बच्चों इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी ज्यादा होगा, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड है, तो इसमें लिख सकते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF शॉर्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो किसके बीच में एक स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा स्पेस होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको हम शॉर्ट में IMS बोलेंगे इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सॉलिड जो है वो रिजिड होता है थोड़ा सा,
सॉलिड रिजिड होगा और हार्ड भी होता है, तो दे आर रिजिड एंड हार्ड। अब रही बात नेक्स्ट बच्चों हम जानेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी बच्चों आप जानते होंगे जैसे कि डेंसिटी होती क्या है, तो सिंपल मतलब होता है डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही होता है डेंसिटी। अब जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, बच्चों सॉलिड का डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होगा, तो मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो काफी ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सिक्स डिफ्यूजन। एक नया टर्म है हमारे पास डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन के बारे में हमने एविडेंस ऑफ मैटर के बारे मैटर में भी पढ़े हुए थे। डिफ्यूजन होती क्या है, मिक्सिंग ऑफ गैस, या फिर हम कह रहे थे मूवमेंट ऑफ गैस का या एटम से मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या सॉलिड में डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा, बच्चों सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती है क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल रेंडम मोशन नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन इसके मॉलिक्यूल भी थोड़ा सा मोशन करते हैं, लेकिन वो अपने ही पोजीशन पे, अपने ही मीन पोजीशन पे ऑसिलेटरी मोशन केवल वाइब्रेट कर रहा होगा अपने मीन पोजीशन के अलोंग। तो कोई अगर पूछे आपसे क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या मोशन करते हैं, तो जनरली बच्चों बोलते हैं कि नहीं करते, ऐसा नहीं है, करते हैं थोड़ा सा, वो अपने ही मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते रहते हैं क्योंकि पार्टिकल तो हमेशा इन मोशन होता है, कंटिन्यूसली इन मूविंग होगा, है कि नहीं। तो यहां भी ये मोशन कर रहा होगा लेकिन इसमें डिफ्यूजन नहीं होगा। लिखेंगे इन सॉलिड नो डिफ्यूजन सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेवन। इसके बारे में एक और चीज है कि सॉलिड में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसके ये जो रिजिड और हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी स्ट्रांगली क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, केवल क्लोजली काफी पैक्ड है, दूसरे काफी क्लोज्ड है। काफी क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नेगलिजिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कि इसके बारे में कि ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये मॉलिक्यूल फ्लो करते होंगे सॉलिड में या नहीं करते हैं, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करते हैं, तो इट कांट बी फ्लो, ये लिख सकते हैं हम, इट कांट बी फ्लो, ये लिक्विड की तरह फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से, इसके वजह से ये मोशन नहीं कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों नेक्स्ट स्टेट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो थे बच्चों वो इनकम्प्रेसिबल होगा, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते एज ए लिक्विड और गैस की तरह। अगर ये सॉलिड है तो इसको कंप्रेस करना आसान नहीं है, ये इनकम्प्रेसिबल, इसको कितना भी अगर कंप्रेस करे तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कुछ सॉलिड ऐसे भी है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन है। जैसे कि आप फोम को अगर कंप्रेस करिए, अगर रबर है, रबर को हम स्ट्रेस भी कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो वो सब एक्सेप्शन में होते हैं। या फिर कह सकते हैं उसको एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये, तो वो एक्सेप्शन है। तो सॉलिड जनरली जो होंगे वो जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर स्टोन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होगा। तो सॉलिड क्या होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। इसके पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बहुत कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से इसके पार्टिकल्स जो है ये मोशन में नहीं आ पाते, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट है दे डू नॉट एक्सपेंड मच लाइक लिक्विड एंड गैसेज। ये लिक्विड और गैस की तरह एक्सपेंड नहीं कर सकता, अगर उसको हीट करे तो ये लिक्विड और गैस की तरह फैल नहीं सकता है ज्यादा। क्यों, क्योंकि वही सेम रीजन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स काफी स्ट्रांग होगा। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये तो जानते ही होंगे, सिंपल सा है, क्लोजली पैक होता है क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट 12th पॉइंट है हमारे पास, देयर आर नो लिमिट ऑफ फ्री सरफेस। यहां पे फ्री सरफेस का कोई लिमिट नहीं है। अगर ये
सॉलिड है तो इसमें तो बहुत ज्यादा फ्री सरफेस है, सारे के सारे फ्री सरफेस ही है इसका, तो लिमिट नहीं है कोई फ्री सरफेस का। लेकिन लिक्विड में अगर कहे जाए तो लिक्विड में जिस कंटेनर में अगर रखेंगे तो नीचे का जो पार्ट होता है वो तो कंटेनर के कंटेक्ट में आ गया, तो ऊपर पार्ट ही फ्री होगा, तो ओनली वन फ्री सर्फेस होगा। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, नो लिमिट ऑफ फ्री सर्फेस, सारे के सारे फ्री सर्फेस ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बच्चों। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सॉलिड में बच्चों बताएगा कि आपको क्रिस्टलीन और एमॉर्फस सॉलिड, तो उसको देखते हैं क्या होती है, उसके बारे में डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे हम, छोटा सा थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। अच्छा, दो तरह की सॉलिड हमारे पास, एक क्रिस्टलीन दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर। क्रिस्टलीन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे क्या होती है एमॉर्फस और क्या होती है क्रिस्टलीन सॉलिड। क्लियर। एमॉर्फस और क्रिस्टलीन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, सिंपल एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे ना उसका जो अरेंजमेंट होगा एमॉर्फस में वो अनऑर्डर अरेंजमेंट होगा, विदाउट किसी ऑर्डर अरेंजमेंट। तो बच्चों एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, उसकी मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा वो अनऑर्डर फॉर्म में होगा, तो कुछ इस तरह से, विदाउट किसी ऑर्डर फॉर्म का अरेंजमेंट, इस तरह से अनऑर्डर फॉर्म, ये किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ है, जैसे तैसे हमने इसको अरेंज कर दिया, तो ये अनऑर्डर फॉर्म के अरेंजमेंट जो हुआ वो एमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का होगा। लेकिन अगर क्रिस्टलीन में अगर बोला जाए तो क्रिस्टलीन में एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंजमेंट होगा, इस तरह से एक के ऊपर एक दूसरे के नीचे, इस तरह से ऑर्डर फॉर्म का अरेंजमेंट होगा, इस तरह से ऑर्डर फॉर्म में। तो अगर अनऑर्डर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा तो वो एमॉर्फस होगा, ऑर्डर अरेंजमेंट होगा तो वो हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड होगा, अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अनऑर्डर अरेंजमेंट होगा, यहां पे ऑर्डर अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर अरेंजमेंट। क्लियर। जो और भी बहुत सारे इसमें डिफरेंस है, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसको हम फॉल्स सॉलिड बोलते हैं, कौन सा, फॉल्स सॉलिड, या इसको हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, फॉल्स सॉलिड या इसको हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड बोले या इसको हम सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं बच्चों, सुपर कूल लिक्विड। लेकिन जो क्रिस्टलीन सॉलिड होगा हमारा ये ट्रू सॉलिड होगा, आपके लिए इतना ही काफी है। 12th में सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर है जिसमें काफी डिटेल में आपको पढ़ना होगा क्रिस्टलीन और एमॉर्फस में, वहां पे हम 10-15 डिफरेंस देखेंगे कि जो इसका एनिसोट्रॉपी क्या होती है, इसका नेचर कैसा होगा, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसी होगी, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो होता है वो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है क्रिस्टलीन का, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास जब भी आएगा हमारा 12th का उसमें देखेंगे डिटेल में, 9th के लिए इतना ही काफी है। क्लियर। तो बच्चों अब हमारे पास है लिक्विड। बच्चों हमने टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए पहले से ही आपके पास नोट कर दिए हैं पॉइंट को, ताकि टाइम जो है बहुत ज्यादा लग रहा था वीडियो बनाने में, इसलिए थोड़ा सा कम करने के लिए हमने पहले से ही नोट डाउन कर चुके हैं। लिक्विड में बच्चों जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा, इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होगी, थोड़ा सा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा। तो फर्स्ट है बच्चों लिक्विड होती क्या है, तो लिक्विड का सिंपल मतलब होता है बच्चों जिसका शेप जो है अनफिक्स्ड होगा और वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, शेप अनफिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड, मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। क्लियर, लिक्विड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लिक्विड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन सॉलिड, लिक्विड का बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेस क्लोजली पैक्ड है ये। लिक्विड हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड, ये भी सिंपल है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम है, कमजोर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। दे आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड सॉलिड, सॉलिड से ये थोड़ा ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर लिक्विड अगर किसी कंटेनर में है तो उसको हम कंप्रेस करके थोड़ा सा कंप्रेस ज्यादा कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर।
नेक्स्ट है दे हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड कंपेयर में इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कम क्यों होती है? जो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। बच्चों अब होता क्या है, डेंसिटी के मतलब मास बाय वॉल्यूम। अगर मास बाय वॉल्यूम का रेशियो अगर ज्यादा होगा इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा। अब इसमें होती क्या है कि यहाँ पे मास तो ठीक है कि मास जितना है उतना हमने लिया, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर जाता है, वॉल्यूम हमने लिखा इसका फिक्स्ड है, सेम अनफिक्स्ड है। तो मास जितना है वो फिक्स्ड है तो मास की डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिक्विड केस में क्या होती है, उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है इसलिए डेंसिटी थोड़ा कम जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड। ये भी सिंपल है, यहां देख रहे हैं आप इमेज में, ये थोड़ा लेस क्लोजली पैक्ड है। इट कैन फ्लो इजली, ये आसानी से फ्लो कर सकता है। आप जानते होंगे वाटर इजली से फ्लो कर रहा है, मिल्क भी फ्लो कर रहा है, ऑयल पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा वो सारे के सारे फ्लो कर रहा है क्योंकि सारे के सारे लिक्विड है। दे डिफ्यूज मोर इजली देन सॉलिड। सॉलिड की कंपेयर में इजली डिफ्यूज कर जाता है, जैसे एक लिक्विड के दूसरे लिक्विड के साथ अगर मिक्स करें तो इजली वो डिफ्यूज कर रहा है। जो हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन केवल दो ही चीजों का होता है, लिक्विड और गैसेस का, अच्छा सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती, इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन हमें बोला था नेग्लिजिबल होगा, लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर, इसको देखते हैं। और बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड। बच्चों लिक्विड की जो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होंगे। इसको हमने ब्राउनियन मोशन भी पढ़ा हुआ था कि लिक्विड में जब पोलन ग्रेन गया था तो उसकी ब्राउनियन मूवमेंट शो कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। दे हैव हायर एक्सपेंशन देन सॉलिड। लिक्विड जो है वो सॉलिड कंपेयर में ज्यादा एक्सपेंड करेगा, क्योंकि अगर लिक्विड को आप अगर हीट करेंगे तो देखेंगे कि वो इजिली वेपोराइज हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन क्या होती है थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन गैस से कम होगी लेकिन सॉलिड से ज्यादा होगी। दे आर सॉफ्ट। ये भी सिंपल है कि लिक्विड जनरली सॉफ्ट ही होते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट आपको निकलेगा। एग्जाम्पल आप सारे लिक्विड लिख सकते हैं जो भी है आपके पास, वाटर है, वाटर लिक्विड की एग्जाम्पल है, ऑयल है हमारे पास, फिर पेट्रोल पेट्रोल डीजल मिल्क एक्सेट्रा, ये सब सारे इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये तीनों स्टेट को एक साथ पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है इसीलिए इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।